हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है कि हम मास्टरबेशन करना कैसे छोड़ें, इसको कैसे स्टॉप करें। अगर ये बैड हैबिट आपको बहुत बुरी तरीके पड़ गई है, तो मेरे भाई, आपका भाई ध्रुव यहाँ पे खड़ा होकर गारंटी ले रहा है कि आपने अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखा और जो जो मैंने बताया उसको आपने किया, तो अभी से ही इस वीडियो को देखने के बाद से ही आप मास्टरबेशन करना स्टॉप कर दोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे भाई की छोटी सी इतू सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने भाई को सपोर्ट करो। और गाइस, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट या अपनी प्रॉब्लम पे आपको वीडियो बनवानी हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा की लिंक तो वहाँ भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई, बात करते हैं मास्टरबेशन, ये जो बैड हैबिट हमें पड़ गई है इसको कैसे छोड़ें। मैं पहले बात करूँगा रीजंस। आपने बहुत सारे सुने होंगे लोगों के कि अगर आपके पहले आपका माइंड रीज़न ढूंढता है कि आपको कोई चीज़ करना है, अगर उससे आप उसका परिणाम अच्छा होगा तो हाँ भाई करना है, अगर गलत होगा तो नहीं करना। लेकिन मास्टरबेशन में जस्ट उल्टा है। आपको पता है किसका परिणाम सही नहीं होने वाला, तब भी आप करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि बहुत से सारे बकचोद ये बोल देंगे कि करो मास्टरबेशन, रोज करो, वीक में 3 बार करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आप बल्कि ये करना चाहिए। तो उस वजह से आपके माइंड में ये मतलब हो गया है, भर गया है कि भाई करो, कोई दिक्कत नहीं। और आप भी ढूंढते रहते हो कि कोई बोल दे कि भाई मास्टरबेशन कर, आप तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे बहुत ही अच्छा कुछ होता है। तो मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मास्टरबेशन आपको पूरा गोड़ देगा, आपका एकदम पूरा एकदम लाइफ स्टाइल बर्बाद कर देगा और आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा मेरे भाई। तो आपको किसी चीज़ को छोड़ने का, अगर आपको मास्टरबेशन छोड़ना है, तो सटीक आपको रीज़न देना पड़ेगा अपने माइंड को, अब खुद को। मैं यहाँ पे कुछ भी बोल दूँ या कुछ भी करने को बोल दूँ, नहीं स्टॉप कर सकते जब तक अपने माइंड को आप ये मैसेज नहीं दोगे कि यार क्यों छोड़ना है मुझे मास्टरबेशन, क्यों मैं ये वीडियो देख रहा हूँ ध्रुव भाई की, क्यों वीडियो देख रहा हूँ और मुझे क्यों छोड़ना है। तो भाई, आपको इसलिए छोड़ना है मास्टरबेशन करना, इसलिए छोड़ना है कि आप ये जब कर रहे हो तो आपका हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा गंदे लेवल का हो रहा है, बहुत गंदे लेवल का, और आपका जो फेस है पिंपल से भर गया, और आपका जो शरीर है एकदम पतला होता चला जा रहा है, सीख के तरीके आपके मसल गेन नहीं हो रही, आपकी बॉडी नहीं बन रही, और आप बहुत ही जल्द गंजे हो जाओगे। तो अपने माइंड को ये बताओ कि यार इसे छोड़ना है, वरना मैं ये सब कर लूँगा तो ऐसे हो जाऊँगा। दूसरा रीज़न देना है आपको कि अगर मैं मास्टरबेशन नहीं करूँगा तो मेरे बाल जो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, इनकी लाइफ बढ़ जाएगी और मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगी और अट्रैक्टिव लगेगी, और मेरी बॉडी भी बन जाएगी और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और जो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम घिस गया है वो एकदम हाई हो जाएगा। तो मेरे भाई, ये दो रीज़न पहले अपने आप को दो, तब मैं बताऊँगा आपको करना क्या है। आई होप आप लोग ने ये दो रीज़न अपने माइंड को दे दिया होगा। तो मेरा भाई, अब मैं बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है। अगर आपको इसको स्टॉप करना है तो आप इंस्टाग्राम पे जितनी भी फालतू लोगों को फॉलो किया जिससे आपके माइंड में गंदगी आती है, उनको जल्दी से अनफॉलो या ब्लॉक मारो। ब्लॉक मारने के बाद आपके मोबाइल में ऐसे जो जितने भी फालतू के ऐप हैं उनको अनइंस्टॉल करो, हटा दो उनको, और अपने माइंड को क्लियर करना स्टार्ट कर दो। आप फालतू चीज़ें मत देखो, फालतू की वीडियोज़ देखोगे तो मैं कितना भी बोलूँ आपके माइंड में वो सब ख्याल आएंगे और आप मास्टरबेशन कर दोगे। तो मेरे भाई, फालतू की वीडियोस से दम दूर होना है, फालतू की फ़ोटोज़ से दूर होना है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ऐसे लोग जो आपको ये सब चीज़ें पे करने को मजबूर करते हैं कैसे भी किसी भी हालात में, तो उनसे दूर हो जाओ ऐसे हाथ जोड़ के, तो उनसे भी दूर होना है। तो मेरे भाई, जब ये सब कर लेना, तो दूसरी बात मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको करना है। आपको अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना है। लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है कि आपको, अगर रात में आप 2 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, 12 बजे सो रहे हो, किसके चक्कर में सो रहे हो, क्यों सो रहे हो, इसको अगर आप अभी कर रहे हो तो इसको स्टॉप करो। नाइट में जल्दी आपको डिनर करना है, डिनर करने के बाद आपको अच्छी नींद लेनी है, और ये हैबिट हर एक भाई को करनी है। हर एक भाई को सुबह उठना है। सुबह आप, अभी ठंड है मेरे भाई, तो 6 बजे नहीं उठ पाओगे, तो 7 बजे उठो। 7 बजे नहीं उठ सकते तो 7:30 बजे उठो, इससे लेट नहीं उठना। 7:30 बजे उठना है, डेली उठना है। आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। मेडिटेशन आपको चुपचाप, आपको कहीं पे भी आराम से गर्म जगह पे बैठ जाना, क्योंकि ठंडी है, ऊपर नहीं जा सकते, तो गर्म जगह पे आपको बैठना है, और आपको आँख बंद करके सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाना मेरे भाई, और कुछ नहीं। इसके ऊपर मैंने वीडियो डाली है, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वीडियो देखने के बाद उसको देख लेना। मेडिटेशन कैसे करें आप देख लेना, फिर करना। मेडिटेशन आपको 10 मिनट करना ही करना है।
स्टार्टिंग में आप 10 मिनट करो, जैसे भी आप 1 मंथ हो जाए तो 15 मिनट 20 मिनट आप बढ़ा सकते हो। इसके बेनिफिट मैं खुद करता हूँ यार, बहुत दिनों से कर रहा हूँ, तो मुझे जो जो मिले बेनिफिट बहुत ही अच्छे मिले। आप ये फालतू की चीज़ों से आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, मेन माइंड है, जब माइंड ही नहीं जाएगा तो आप ये सब फालतू चीज़ें कूड़ा करकट करोगे नहीं। तो आपको मेडिटेशन करना है, और आपको अगर आप यार बॉय हो, यंग बॉय हो तो, या बॉय हो या आप थोड़े एजेड भी हो तो आपको करना ही चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं हर वीडियो में बताता हूँ 40 से 45 मिनट की एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी चाहिए, कोई भी एक्सरसाइज करो, कोई भी बट करो। तो गाइस आपको पहला जो मैंने बताया, आपको फालतू की वीडियोस, फालतू की पिक से दूर, फालतू के लोगों से दूर रहना है। दूसरा मैंने आपको बताया अपनी लाइफस्टाइल कैसे करनी है। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जैक्ट करना क्या है। आपको तीसरे में आपको जैसे आप जिस किसी को भी फॉलो करते हो, जो भी बड़ी हस्ती आप उसको फॉलो करते हो या उसकी तरीके आपको बनना है, तो उसके बारे में जानो, वो कैसे हार्ड वर्क करके अपने लाइफ में आगे बढ़ा, और आपका गोल क्या है आपको पता होगा, नहीं पता मेरे भाई तो जल्दी से पता करो कि आपका गोल क्या है, आपको फ्यूचर में करना क्या है, और उस गोल को पाने के लिए आप बस रात दिन लग जाओ मेरे भाई। ये सब फालतू के ख्याल 100% नहीं आएंगे, और अगर आते भी हैं तो मेरे भाई कोई मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो आप, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए। और अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो कि अजीब टाइप का लग रहा है, तो मेरे भाई एक अच्छा सा गाना लीड लगा के सुन लो, आपकी सारी प्रॉब्लम और सारी टेंशन रिलीज हो जाएगी मेरे भाई। चौथा मेरे भाई, जब भी आपको मास्टरबेट करने का मन करे तो आपको जस्ट उठना है, तुरंत उठना है, तुरंत टहलने के लिए निकल जाना है, कोई बहाना नहीं, तुरंत आपको जस्ट उठना है और टहलने के लिए निकल जाना है, या अपने ऐसे फ्रेंड को कॉल करनी है जो आपको मोटिवेट करे, अच्छी सलाह दे, जिसको जिससे आप बात करके बहुत फ्रेंडली, या कोई भी जिससे आप को बात करके बहुत ही अच्छा लगे, उसको जल्दी से कॉल करना है ताकि आप ये सब ना कर पाओ। या सिंपल सा, एकदम सिंपल सा, आप उठ के निकल लो टहलने के लिए, आपके माइंड में ये सब ख्याल नहीं आएगा। तो ये लास्ट में मैं बस यही बोलूँगा कि अगर आपने मास्टरबेशन को स्टॉप किया तो आपको एक प्रॉब्लम को बस फेस करना पड़ेगा, वो भी कुछ समय के लिए, वो है नाइट फॉल्स, सपने दोस्त, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्योंकि आप इतने दिन से करते आ रहे हो, अचानक से आप इसको स्टॉप करोगे तो ये प्रॉब्लम थोड़े दिन तक रहेगी। बट मैंने इस पर बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देखना, जो जो बताया उसको करना, आपकी नाइटफॉल की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। फिर मेरे भाई आपको जो चाहिए लाइफ में उसकी तरफ बस मेहनत करना, आपको अचीव हो जाएगा, आप बहुत ही हैप्पी रहोगे बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे भाई ये थी वीडियो आपके लिए, आई होप वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अच्छी नहीं लगी तो मेरे भाई डिसलाइक भी कर सकते हो। और इस चैनल पे, इस वीडियो पे अगर भाई वाली फीलिंग आई तो अपने भाई को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने भाई को दिल से सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।